चाहे कितनों भी महंगा से महंगा चदरा टीना घर के ऊपर लगा दीजिए, 3 साल 4 साल के अंदर में जंग लग के ख़राब होना निश्चित है दोस्तों। क्यों ना अच्छी तरह से पेंट करके उसके ऊपर चढ़ा दे ताकि 10 साल 15 साल आराम से चल सके। तो आइए इस वीडियो में जानकारी देते हैं कौन सा पेंट यूज करें और किस तरह से टीना में पेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिकाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कलाकार राजीव रंजन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कलाकार झकास। दोस्तों फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं टीना, ये घर के ऊपर लगा हुआ टीना है जिस पे धूल मिट्टी काफ़ी बैठ गया। थोड़ा दूर जो है सफाई किए हैं, उसके बाद जो है कुछ वैसे ही पड़ा हुआ धूल मिट्टी। तो इस पे फिरोजी कलर पहले किया हुआ था 5-6 साल पहले, इस पे फिर से अभी ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर करना है। देख सकते हैं धूल मिट्टी काफ़ी इस पे बैठा हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों अच्छी तरह से पानी से कपड़े से साथ सफाई कर दिया और सफाई करने के बाद फिर आप लोग को हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये अब देखिए सफाई करने के बाद कुछ फ्रेश आ गया। अगर इस पे पेंट नहीं किया हुआ रहता तो इसके ऊपर प्राइमर करते उसके बाद पेंट करते, इस पे डायरेक्ट अब पेंट होगा। तो अब पेंट होगा एशियन का होगा दोस्तों, एशियन का एकोलाइट पेंट होगा जो कि ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर होगा। अब पहले फिरोजी कलर था, अब ब्लू कलर होगा। अगर पहले से पेंट किया हुआ नहीं रहता तो प्राइमर करके उसके बाद पेंट करते, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों ऑक्सफोर्ड ब्लू 4 लीटर का, आप देख सकते हैं पैकिंग 1590 रुपये रेट है 4 लीटर का। अभी हम इस पर 20 लीटर से ज़्यादा पेंट इस पर लगेगा। और ये रहा थिनर, A1 थिनर है दोस्तों, ये पॉलिश में भी यूज होता है, नॉर्मल थिनर है और ये पेंट में भी यूज होता है। ये 5 लीटर का केनी है दोस्तों, A1 थिनर है जो कि सबसे नॉर्मल वाला जो थिनर है, ये पेंट में भी यूज होता है। तो हमने ये सब मंगवाए हैं। चलिए डब्बा खोल के उसके बाद कलर भी दिखाते हैं और मशीन से हम पेंट करेंगे स्प्रे मशीन से, तो और किस तरह से इसको हम बनाएंगे, कितना इसमें थिनर मिक्स करेंगे, सारे कुछ डिटेल से बताते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम 10 लीटर की बाल्टी ले लिए हैं, पहले खाली बाल्टी, उसके बाद इसमें सारे पेंट डाल देते हैं। अभी 8 लीटर पेंट हमको बनाना है, 2 डब्बे अभी आप लोग के सामने दिखा रहे हैं लगेगा। तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा घर है, टीना है पेंट करने के लिए, तो इसमें 20 लीटर से ज़्यादा पेंट लग रहा है। तो अभी 8 लीटर हम बना रहे हैं, तो ये 8 लीटर के दोनों जो है इसमें डाल दिए। और इसमें पर लीटर पे हमको 250 से लेकर 300 ml तक थिनर यूज करना है। तो हमने 8 लीटर में 250 लीटर जो है थिनर इसमें हम मिक्स कर रहे हैं। पहले इसको डब्बा में डाल देते हैं और डब्बा भी साफ़ हो जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे। तो इसी तरह किया जाता है। आप या तो इस पे तारपीन तेल भी यूज कर सकते हैं और मिट्टी तेल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल वाला थिनर है, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं इस पेंट में। तो चलिए डब्बा साफ करके अच्छी तरह से उसके बाद पेंट में मिक्स करते हैं। ये रहा दोस्तों ब्लू कलर, ऑक्सफोर्ड ब्लू है, ये बहुत ही अच्छी तरह से खिलता है टीना के ऊपर, चाहे गेंट में कीजिए, टीना पे कीजिए, चाहे लोहे पे कीजिए, जिस पर भी मर्जी कीजिए, पर ये कलर बहुत मस्त लगता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद सारे पेंट और थिनर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको हमको यूज करना है। अगर हम मशीन से बना रहे, सॉरी दोस्तों मशीन से अगर पेंट कर रहे हैं तो 300 ml इसमें पानी, सॉरी दोस्तों इसमें थिनर पड़ेगा। उसके बाद अगर हाथ से अगर ब्रश से करते तो मात्र 200 से 250 ml यूज करते पर लीटर पे। ये रहा दोस्तों बोल्ड स्किल का 700 वाट, जो कि ये मशीन जो है 700 वाट है, और ये रहा बोल्ड स्किल का प्रो पेंट मशीन है। तो यही हम लगातार यूज कर रहे हैं, सबसे हाई क्वालिटी का मशीन है दोस्तों बोल्ड स्किल का, अभी सबसे ज़्यादा सक्सेस होने वाला यही मशीन है। तो यही मशीन से आज हम पेंट करने वाले हैं टीना, तो सिर्फ सिंगल कोट से ही फाइनल हो जाएगा मशीन से। अगर ब्रश से हम करेंगे तो कम से कम 2 कोट लगेगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा, इस कारण हम मशीन से यूज कर रहे हैं।
दोस्तों जब भी छोटा मशीन से हम पेंट करते हैं, चाहे कोई भी करता है, तो आप सबसे पहले ये सोच लीजिए, सबसे पहले डब्बे में एक सूती कपड़ा लेंगे और सूती कपड़ा से छान के उसके बाद मशीन में पेंट डालेंगे, नहीं तो हो सकता है इसका नोज़ल फंस जाएगा और कहीं आपको दिक्कत आ सकता है। अगर ज़्यादा टाइम तक अगर मशीन साफ़ नहीं करते हैं तो पेंट भी इसमें जम सकता है, इस कारण फ्रेश पेंट इसको छान कर उसके बाद इस डब्बे में डालिए, उसके बाद मशीन में लगाइए, उसके बाद कीजिएगा। तो इसी तरह से दोस्तों छान के किया जाता है। तो इसी तरह हमने कंप्लीट छान लिए हैं और उसके बाद इसमें मशीन सेट कर रहे हैं डब्बे। और ये इसका डब्बा जो है 800 ml का डब्बा आता है, 800 ml आप इसमें पेंट डाल के आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने बड़ी लंबी वायर जो लाइट वाली वायर जो है लंबी कर दिए हैं और इसके बाद ऊपर से बड़े वाली पौड़ी लाए हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए फर्स्ट बार आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरह से करना है। ये अभी नया पेंटर है, इस कारण इसे मशीन चलाना नहीं आता है, सिखा रहे हैं। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों, बड़ी लंबी पौड़ी हम बना लिए हैं। उसके बाद जो है एक ऊपर में मिस्त्री है, दो मिस्त्री है, एक पकड़ रहा है और एक पेंट कर रहा है। तो इसी तरह जो है बहुत बचा बचा के किए, करना तो बहुत आसान है पर इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, टीना पे हो सकता है पैर भी फिसल सकता है। तो इस कारण हम सावधानी से पेंट किए इस पे, दो तीन दिन से ज़्यादा लग गया है तीन चार मिस्त्री को, लेकिन अंतिम में कंप्लीट कर ही दिए। तो दोस्तों इसी तरह पेंट किया जाता है। तो इस तरह से करने से क्या होता है दोस्तों, पेंट जो है कम लगता है और टिकाऊ भी ज़्यादा होता है, तो मशीन से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ब्रश से करते तो टीना भी अभी गर्म हो जाता धूप से, इस कारण दिन भर काम नहीं कर सकते, या तो सुबह या शाम आप काम कर सकते इस पे चढ़ के। तो मशीन से काम कर रहे हैं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस परेशानी है जो पकड़ना धकड़ना ऐसे उसे करना, पर यही सब। तो इसी तरह से करते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों इस पे अगर पहले से पेंट किया हुआ रहता, सॉरी दोस्तों पहले से अगर वैसे टीना रहता, जंग लगा हुआ रहता, तो सफाई करके उसके बाद जो है इस पे प्राइमर करते, उसके बाद पेंट करते। अगर इस पे पेंट किया हुआ है तो डायरेक्ट सफाई करके आप इसके ऊपर पेंट से स्प्रे मशीन से चाहे ब्रश से आप कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ रहता तो प्राइमर करना ज़रूरी था। तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए, टीना हो, लोहा हो, दरवाज़ा सब हो, इस सब में यही अनामल पेंट यूज होता है। अगर इस पे प्राइमर करते तो इस पे लोहा पे, टीना पे मेटल प्राइमर लगता है और लकड़ियों पे वुड प्राइमर लगता है और दीवारों में वाटर बेस्ड प्राइमर लगता है। सबका प्राइमर अलग अलग है, पेंट भी अलग अलग है और लोहा लकड़ी में जो है पेंट सेम ही होता है। तो इसी तरह से दोस्तों हम ये घर कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं फाइनल होने के बाद ये आप घर देख सकते हैं जो कितना खूबसूरत लगने लगा। अब ये ब्लू कलर जो है कंप्लीट हो गया है, जहाँ भी था करने के लिए पूरा ए टू जेड फाइनल कर दिया। सूखने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगने लगा और काम मेरा कंप्लीट हो गया, बस तीन से चार दिन लग गया। ये बड़ी लंबा घर है, लगभग 30 फुट लंबा है और 15 फुट चौड़ा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।